प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों की अब खैर नहीं। जी हाँ, नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं। अगर कोई सरकारी डॉक्टर जो है वो किसी क्लिनिक में या किसी नर्सिंग होम में जाकर वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, बल्कि कार्रवाई ही नहीं होगी, इस तरह की कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिली है। यहाँ पर 3 डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए गए और उनके खिलाफ सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि ये कश्मीर के इन डॉक्टरों पर जो है वो, यानी कि 3 ऐसे डॉक्टर हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगा है कि जब भी कोई भी मरीज इन डॉक्टरों के पास आता है तो ये डॉक्टरों द्वारा जो है वो मरीज को रेफर कर दिया जाता है। यानी कि अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज आएगा तो उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो उसे GMC या सुपर स्पेशलिटी ऐसे अस्पतालों में जो है वो ऐसे रेफर कर दिया जाता है। अब ये कौन डॉक्टर है जो इस तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, इनके नाम भी आपको बताना चाहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली ये खबर है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही इन तमाम डॉक्टर्स को ये हिदायतें जारी की थी, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से जानकारी दी गई थी कि कोई भी डॉक्टर जो है वो इस तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, और अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन ये कहें कि लालच कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स में लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसके चलते वो अपनी सरकार की तरफ से जो उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है उस पर कम ध्यान देते हैं और अपने पैसे कमाने के चक्कर में मरीजों का भी सही इलाज ना करके जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ये डॉक्टर कौन है आपको बताना चाहेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में तैनात डॉक्टर जुनेद खुर्शीद हैं, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर में तैनात डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट हैं, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर में तैनात डॉक्टर यवार निसार हैं, जो कि ऑन ड्यूटी जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये भी पता चला है कि आयुष्मान भारत स्कीम के कई सारे जो है वो बिल्स ये बनाते थे, यानी कि अगर कोई 35,000 की अगर किसी की दवाई मिलती है या 40,000 का कोई किसी का अगर मेडिकल पे खर्चा आता है तो उसका बिल जो है वो इन डॉक्टर्स द्वारा दुगुना जो है वो बना दिया जाता था। तो जिसको लेकर आपको बता दे चले कि आगे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस तरह के डॉक्टर्स का पर्दाफाश करेगी, और जिले के सभी जगहों पर यानी कि सरकारी दफ्तरों में भी होर्डिंग लगाकर बताया जाएगा कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर जो है वो रोक लगाई गई है, और अगर कोई सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो वो जो है वो पूरे तरीके से अवैध है। साथ ही साथ अगर कोई डॉक्टर किसी नर्सिंग होम में जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उस नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही अगर किसी डॉक्टर ने कमाई ज़्यादा की है तो उसकी जाँच भी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो की जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए भी जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है वो दिया जा सकता है, और जिससे उसका लाइसेंस जो है वो रद्द हो सके ताकि वो जो है वो इस तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे। आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं ये सही है गलत है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।